Qutub Minar is a very sweet film. It is a family story. It is a story about कि जो एक इंसान के पास अगर कोई medical condition हो और उस medical condition के because of that medical condition उसके खिलाफ भेदभाव किया जाता है, समाज उसे अलग से treat करती है. So this is what the story is about. Lekin it is done in a very human way, in a very real way, with comedy, lightheartedness, fun, but also discussing an issue and how it affects the human lives around them and the society around them and in that little village that they live in. So I play a married woman in the show, sorry, in the movie, जिसके खुद के problems हैं और वो एक support बन जाती है इन किरदार के लिए जो जिनकी सबसे एक बहुत बड़ी समस्या है. And that's how the film is. It's about community, it's about family, it's about coming together, but done in a very entertaining fashion. What I loved was कि हम we were shooting in the back of Beyond, जहाँ पे cell network भी नहीं मिलता था, तो no one was on their phone क्योंकि network भी नहीं मिलता था. उधर एक tower था लेकिन वो tower बंद किया गया था जिससे internet मिलता ही नहीं था. So the beautiful part was कि आपको एक digital detox मिल गया है, आपको लोगों से बात करनी थी, आपको अपने किताबें पढ़नी थी और बस अपने फोन पे ऐसे 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 नहीं रहना था. आपको अब दिवाली आ रही तो आपकी क्या दिवाली प्लान्स? मेरी दिवाली प्लान्स वैसे बहुत 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 सिंपल है. मैं बस बहुत कम लोगों के साथ स्पेंड करती हूँ और यू नो कोरोना हुआ है एंड ऑल ऑफ दैट, तो
शायद ज़्यादा बाहर जाऊंगी भी नहीं, बट दैट्स माय थॉट राइट नाउ फॉर दिवाली. देखते हैं जब दिवाली आएगी तो शायद मन बदल जाए. ओके, सो लास्टली दिवाली विशेष का I wish everyone a very very happy Diwali, a very prosperous Diwali. और पिछले दो साल जैसे रहे हैं, मेरी इच्छा ये है, ख्वाहिश ये है, wish ये है कि you have many 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 more prosperous, happy and successful Diwalis and New Years ahead of that. Thank you. तो कुतुब मीनार एक बहुत सी स्वीट स्टोरी है. इट इज़ अ स्टोरी अबाउट कि अगर किसी को एक फिजिकल कंडीशन है, किसी को एक लेट्स से एक डिजीज़ है और उसके वजह से उसके खिलाफ भेदभाव किया जाता है, समाज उससे अलग तरीके से ट्रीट करती है. So because this story happens in a small village जहाँ you know everyone is in everyone's business, कैसे एक इंसान की ज़िंदगी उस पर क्या क्या चीज़ें होती है. So this is what the story is about, but it is not done in a preachy fashion. It is done in a fashion that is light-hearted, that is fun, and at the end of the day it brings together family and it brings together community and it brings a sense of togetherness. So it's a sweet film dealing with a subject that is very 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 different. So when the teaser comes out, when the trailer comes out, then you'll be like, oh haan, usne bola tha, actually different hai. Okay. So kaun sa role play kar rahi ho, aur aapka role ka naam kya hai? So I play the role of a married woman in the film, and uske bhi kya problems hain, samaj usko kaise dekhti hai, lekin actually अंदर की कहानी क्या है वो कुछ और है. सो इट इज़ अ स्लाइस ऑफ लाइफ फिल्म. इट इज़ अ फिल्म दैट मे माय कैरेक्टर समथिंग दैट अ लॉट ऑफ वुमेन कुड रिलेट टू, कि जहाँ वो जो भी होता है वो घर का नाम बचाने के लिए, घर का नाम साफ रखने के लिए वो चीज़ें मतलब अपने पे लेती हैं और चीज़ें बताती नहीं हैं कि एक्चुअली क्या है, यू नो. तो को स्टार्स अ ग्रेट फन टू वर्क विद. द थिंग इज़ कि हम बहुत इतना काम कर रहे थे कि बहुत कम वक्त मिला था मजाक करने के लिए, मजाक करने के लिए, क्योंकि हमें एक पूरी फिल्म शूट करनी थी 15 दिन में 17 दिन में हमने शूट किया था. तो व्हेन यू वर्क ऑन सच अ टाइट स्केड्यूल, हंसी मजाक के लिए वक्त नहीं होता है. आप बस काम 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 कर रहे हो और जब वापस हो गया आप इतने थक जाते हो कि आप सो जाते हो. सो दैट इज़ हाउ इट वॉज फॉर आर शूट. वैसे सीखने तो बहुत कुछ मिला होता मिलता है, बट मोर देन दैट जब हमारे लंच ब्रेक्स होते हैं, जब सीनियर एक्टर होते हैं सेट पे, तो वो बहुत इतने मज़ेदार कहानियाँ बताते हैं अबाउट देयर लाइफ, देयर एक्सपीरियंसेस, देयर वर्किंग इन द इंडस्ट्री. सो लंच टाइम यूज़ टू ऑलवेज बी अ टाइम ऑफ स्टोरी टेलिंग एंड एक्सपीरियंसेस, विच इज़ रियली नाइस. दिवाली के बारे में ये बताऊंगी कि आई विश एवरीवन हैज़ अ हैप्पी दिवाली. द लास्ट टू दिवालीज वर वेरी यू नो डाउन प्लेड एंड ऑल ऑफ दैट, एंड आई होप दैट दिस दिवाली यू गेट टू स्पेंड क्वालिटी टाइम विद द क्वालिटी पीपल इन योर लाइफ, एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट. या तो देयर इज अनदर शो ऑफ माइंड व्हिच वी आर करंटली शूटिंग, इट्स कॉल्ड कोल्ड मेस. और ये शो जो है इट्स अबाउट रिलेशनशिप्स. इट्स अबाउट कि अब देखो रिलेशनशिप्स हमारे हाथ में हैं. अब लॉट ऑफ द टाइम्स नाउ अभी बड़े बड़े शहर में क्या हो रहा है कि माँ बाप बोल रहे हैं कि चलो आप अपने आप ढूंढ लो किसी को, अगर आप प्यार से शादी करना चाहते हो, अरेंज मैरिज नहीं करना चाहते हो. लेकिन जब रिश्तों या रिश्ते की चॉइस हमारे हाथ में होते हैं तो हाउ सक्सेसफुल आर वी एट इट, हम इसका क्या बनाते हैं, यू नो, बिकॉज रिलेशनशिप्स आर जस्ट अ कोल्ड मेस. तो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग शो एंड इट्स अगेन लाइट हार्टेड, फन एंड एन ईजी वॉच. थैंक यू.